दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है, समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिए सभी किसान इस तारीख तक कर ले स्लॉट बुक। स्लॉट बुक करवाने के लिए नियत तिथि आ गई है, अन्यथा बाद में नहीं होंगे स्लॉट बुक। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का कार्य चल रहा है। सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग हेतु तारीख निश्चित कर दी है। निर्धारित दिनांक के बाद स्लॉट की बुकिंग नहीं होगी, जिससे आप समर्थन मूल्य पर गेहूँ नहीं बेच सकेंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी उज्जैन एवं उंदेर संभाग में 28 मार्च से शुरू हो गई थी, जो 10 मई तक चलेगी। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में यह खरीदी 4 अप्रैल से शुरू होकर 16 मई तक चलेगी। किसानों को वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने हेतु वेबसाइट www.mpeupargan.nic.in पर स्लॉट बुकिंग कर उपार्जन केंद्र एवं दिनांक का चयन करने की सुविधा दी गई है। आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपनी निश्चित तिथि से पहले स्लॉट बुकिंग करके बिना किसी बाधा के समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकते हैं। खाद्य विभाग ने जानकारी दी है कि किसान भाई गेहूं बेचने हेतु स्लॉट बुकिंग दिनांक 13 अप्रैल 2022 तक करा सकते हैं। इसके बाद स्लॉट बुकिंग की सुविधा बंद कर दी जाएगी। फ्लैट की बुकिंग मोबाइल के द्वारा भी की जा सकती है, इसलिए आप वेबसाइट पर जाकर के अपने मोबाइल से स्लॉट की बुकिंग 13 अप्रैल तक कर सकते हैं और अपने गेहूं को बिना किसी रुकावट के समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कर्जों के तले दब रही है। दिग्विजय सरकार से 16 गुना ज़्यादा शिवराज सरकार ने कर्ज ले लिया है। पहली बार बजट से ज़्यादा हो गया है कर्ज, यानी राज्य सरकार की इनकम से ज़्यादा कर्ज हो गया है। अब हर व्यक्ति पर 41,000 रुपये का कर्ज हो गया है। मध्य प्रदेश पर उसके सालाना बजट से भी ज़्यादा कर्ज है, यानी स्टेट की स्थिति उस घर की तरह हो गई है जिसकी इनकम कम और कर्जा ज़्यादा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में यह कर्ज बढ़कर 3,32,000 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इससे प्रदेश की स्थिति बिगड़ सकती है, अर्थात हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा मीडिया के माध्यम से कि श्रीलंका के हालात बहुत बदतर हैं। वहां पर श्रीलंका सरकार पर बहुत ज़्यादा कर्ज होने के कारण श्रीलंका वासी रोड पर आ गए हैं। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश की न बने, इसलिए सरकार को ध्यान रखना होगा। यह दिग्विजय सिंह सरकार की विदाई के वक्त से 16 गुना अधिक कर्ज हो गया है अभी फिलहाल में। विशेषज्ञ हैरान है कि कर्ज में डूबी सरकार ने 2 साल में बाजार से 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन उठा लिया है, जो अब तक लिए गए कुल लोन का 1/3 है। इसका असर यह हुआ कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर 5 साल में ही कर्ज बढ़कर डबल हो गया। ऐसा संभवतः पहली बार है। जॉब नहीं मिलने से प्रदेश में एक ही साल में 5 लाख से ज़्यादा नए बेरोजगार बढ़ गए हैं। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के माथे अब 41,000 रुपये का कर्जा है। इसी रफ्तार से यदि बढ़ोतरी हुई तो यह कर्ज अगले साल 47,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। 2017 तक यह कर्ज केवल 21,000 रुपये था, लेकिन 2022 में यह कर्ज 41,000 रुपये तक पहुंच गया है। शिवराज सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पिछली दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन के आखिरी साल यानी 2003-04 में प्रदेश पर 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज था, जो प्रति व्यक्ति 3,300 रुपये आता था। लेकिन अभी यह कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है और प्रति व्यक्ति कर्ज 41,000 रुपये तक हो गया है। देश के कई राज्य आमजन को लोक लुभावनी योजनाएं, रियायतें और मुफ्त की सौगातें दे रहे हैं, जबकि उनकी वित्तीय स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश अभी दिवालिया स्थिति में नहीं है, लेकिन राजकोषीय घाटा घटता जा रहा है। यह सरकार को अलर्ट रहने के लिए संकेत है, अन्यथा ज़्यादा कर्ज हो जाएगा तो मध्य प्रदेश दिवालिया घोषित हो सकता है। जैसे जैसे प्रदेश पर कर्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे बुनियादी ढांचे और विकास के संसाधन कम होते जाएंगे। हम कोरोना की चुनौतियों से तो निकल चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का असर मध्य प्रदेश पर अभी कम है। यहाँ से गेहूँ का निर्यात बढ़ेगा, ऐसे में आमदनी बढ़ेगी,
लेकिन वित्तीय संसाधन जुटाने और कम से कम कर्ज लेने की नीति पर आगे बढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए, अन्यथा आगे स्थिति बहुत खराब हो सकती है और इन सब का असर प्रदेश की जनता पर जरूर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पेंशनधारियों के लिए बड़े राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में अब पेंशनधारी किसी भी बैंक में जाकर दे सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश में पेंशनर अब किसी भी बैंक की शाखा में जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। सभी बैंकों को इसे मान्य करना होगा। अभी पेंशन खाता जिस बैंक में होता है उससे संबंधित शाखा में ही वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता है। इसकी वजह से पेंशनरों को परेशानी होती है। पेंशन संचालनालय द्वारा लागू की जाने वाली इस नई व्यवस्था से प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनधारियों को सीधा लाभ होगा। प्रदेश में पेंशनधारियों को प्रतिवर्ष नवंबर माह में अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र बैंक की शाखा में देना होता है। इस वर्ष यह फरवरी तक लिया गया है। यदि नवंबर में यह जमा नहीं होता तो जनवरी में पेंशन नहीं मिलती। पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी न आए इसके लिए अब यह व्यवस्था बनाई जा रही है। वे जहां रहते हैं उसके आसपास किसी भी बैंक की शाखा में जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। जिस बैंक से पेंशन बनती है उसे उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित शाखा की होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, अब आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र आप नज़दीक बैंक में जाकर दे सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की छात्रों तथा किसानों के लिए बड़ी घोषणा है जिससे लाखों को मिलेगा बड़ा लाभ। शिवराज सरकार द्वारा एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के लाखों हितग्राहियों को राशन की मुफ्त सुविधा दी जा रही है, वहीं सितंबर महीने तक उनको मुफ्त खाद्यान्न वितरण कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 तारीख के बाद हर छात्र को 10 से 15 किलो मूँग उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि राशन वितरण से कोई गरीब न छूटे। उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्ति को अपना नाम सूची से हटाते हुए गरीबों को लाभ देने का आश्वासन भी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी 15 तारीख से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के प्रत्येक छात्र को 10 किलो मूंग और कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक के प्रत्येक छात्र को 15 किलो प्रति छात्र मूँग दाल प्रदान की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वरना अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिजली बिल राहत योजना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दिए बड़ी सौगात। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। आपको बताना चाहता हूँ 21,000 करोड़ रुपया हर साल सरकार के खजाने से, मैं एक उदाहरण बताता हूँ हमारे किसान भाइयों के लिए, उनको जो बिजली के पैसे लेते हैं 5 हॉर्स पावर के, कितने 3600 रुपए लेते हैं साल भर, करते हैं सरकार की तरफ से ताकि किसान को सस्ती बिजली मिले। गरीब बहनों और भाइयों से 100 रुपया लेते हैं, तो इसका मतलब 100 रुपया आते हैं ये नहीं है। हम सरकार की तरफ से गरीबों के तरफ से भी पैसा भरते हैं, तो 21,000 करोड़ रुपया बिजली वाले हमसे लेते हैं तब सस्ती बिजली मिलती है। आज 6,400 करोड़ रुपए की और सौगात दे रहे हैं। तो प्रदेश भर में मुझे सुन रहे मेरे बहनों और भाइयों, अपने शिविर में जाइए, आवेदन दीजिए, अपने बिजली के बिल माफी का प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए और वो पैसा मैं भर दूंगा। और मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से, प्रणय जी बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, हमारे सारे साथी हैं, उनसे मेरा आग्रह कि शिविर ठीक से बिजली वालों से लगवा लें। प्रणय, अकेले बोहरी बंद विकास खंड में 17,24,27,000 रुपए की राशि हम भरेंगे। बड़वारा में 11,67,00,000, मुड़वारा में 15,26,53,000, विजयराघवगढ़ में 15,11,28,000, ऐसे कुल 59,29,44,000 रुपया केवल कटनी जिले में भरा जाएगा बिजली के बिलों के लिए सरकार की तरफ से।
तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।